इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक और भारत को काउंसलर एक्सेस मिलने को पीएम मोदी ने बताया सच की जीत। जाधव को तुरंत कानूनी मदद मुहैया करवाने की पहल भी शुरू। काउंसलर एक्सेस की बात कही है कि कुलभूषण जाधव को मिलना चाहिए, इसके लिए आवश्यक निर्देश दिए हैं पाकिस्तान को। खुफिया जानकारी के मुताबिक आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के आतंकी अमरनाथ यात्रा पर हमले की साजिश रच रहे हैं। कर्नाटक में चल रहे सियासी संकट के बीच आज विधानसभा में सरकार का शक्ति परीक्षण। बीती रात कांग्रेस और जेडीएस के विधायकों से मिले सीएम कुमार स्वामी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से बागियों को मिली राहत के बाद सरकार का जाना लगभग तय। बिहार में बाढ़ ने 91 तो असम में 97 लोगों की जान ली। एनडीआरएफ की टीम ने अब तक 11,000 लोगों को बचाया, लेकिन आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ने की आशंका। गिर जाएगा, आप लोग मकान खाली करिए। मौसम विभाग ने कर्नाटक में येलो और केरल में रेड अलर्ट जारी किया, तो पंजाब हरियाणा और उत्तराखंड में भी भारी बारिश की चेतावनी दी। अयोध्या मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। मध्यस्थता कमेटी की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हुआ तो कोर्ट रोजाना सुनवाई को लेकर आ सकता है बड़ा फैसला। गुजरात में कांग्रेस छोड़ने के बाद आज बीजेपी का दामन थामेंगे अल्पेश ठाकुर। न्यूज 18 से खास बातचीत में बोले, पद का लालच नहीं, पीएम के नेतृत्व से है प्रभावित। ऐसे ही व्यक्तित्व से मैं बहुत सारा प्रभावित हुआ हूं। यूपी के संभल में बदमाशों ने पुलिस की गाड़ी पर गोलीबारी कर पेशी से लौट रहे अपने 3 साथियों को छुड़ाया। हमले में 2 पुलिस वालों की मौत। कथित गोरक्षा के नाम पर मॉब लिंचिंग करने वालों पर कार्रवाई के लिए मध्य प्रदेश कानून बनाने वाला पहला राज्य बनेगा। कमलनाथ सरकार ने विधानसभा में पेश किया विधेयक। मोहित जायसवाल के अपहरण केस में छापेमारी के बाद सीबीआई ने बाहुबली नेता और पूर्व सांसद अतीक अहमद के साले को गिरफ्तार किया। 8 लाख रुपए नकद भी बरामद। दिल्ली में थम नहीं रहा अपराध का सिलसिला। पश्चिम बिहार में बेखौफ बदमाशों ने मीट कारोबारी की गोली मारकर हत्या की। भाई का लीवर ट्रांसप्लांट करवाने आए इराक के नागरिक से नोएडा में बदमाशों ने 21 लाख रुपए लूटे। यूपी के बरेली से एटीएस की टीम ने रेलवे स्टेशन से 50,000 रुपए के नामी नक्सली को गिरफ्तार किया। हथियार के साथ नक्सली साहित्य भी बरामद। टीम इंडिया के नए कोच और सपोर्ट स्टाफ के चयन की जिम्मेदारी कपिल देव की अगुवाई वाली 3 सदस्यों की कमेटी को सौंपी गई। चेक रिपब्लिक में चल रहे टबोर एथलेटिक्स मीट में भारत की हिमा दास ने 15 दिन के अंदर 4th गोल्ड जीता। पाकिस्तान में आतंकी संगठन जमात-उद-दावा के चीफ हाफिज सईद की गिरफ्तारी को ट्रंप ने अमेरिका के दबाव का नतीजा बताया।